हाय हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव और अभ्यास, ये नाम तो सुना होगा सबने। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर से ठीक पहले हम ये प्रोडक्ट लेकर के आए थे जिसमें हम कर क्या रहे थे, बेसिकली घर बैठे एक्चुअल नीट का एक्सपीरियंस। सो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम स्टूडेंट वाज फेसिंग, कि इतनी मोटी मोटी किताबें जिसमें मॉक पेपर सारे, उसको उठाते उठाते हालत खराब हो जाती थी ना, आधी एक्सरसाइज वहीं हो जाती थी। तो हमने क्या किया भाई, पेपर को एकदम जो जैसे नीट का पेपर आता है उस तरीके से कि पेपर उठाओ सॉल्व करो, ऐसी तरह से पेपर में ओएमआर शीट भी हमने भेज दी। आउटपुट क्या निकला, बहुत शानदार रिजल्ट। और जब हमने ये पेपर डिजाइन किया तो हमने जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन डाले कि भाई सब लेंदी लेंदी क्वेश्चन, बायोलॉजी में लोग बहुत परेशान थे, सर इतना लेंदी पेपर बना रहे हो, ऐसे कौन पूछता है नीट में। लेकिन जब इस बार नीट दिया तो सब थैंक यू बोल रहे थे, अच्छा किया सर डाल दिया आपने लेंदी पेपर। मैं बता दूं, मुझे कुछ पता नहीं था, इट वॉज अ रैंडम तुक्का फ्रॉम माई एंड। बट राइट नाउ, क्या तुम्हें फुल मॉक पेपर तुरंत शुरू करने चाहिए कि राइट नाउ जो तुम पार्ट बाई पार्ट काम खत्म कर रहे हो उसकी अल्टीमेट लेवल पर प्रैक्टिस ले जानी है, तो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अल्टीमेट लेवल पर हो, बहुत अच्छा रिजल्ट करो, उसके लिए दी अभ्यास इज बैक विद 15 मॉक पेपर्स। अभ्यास एडुकार्ट की तरफ से ये मॉक पेपर्स आने जा रहे हैं जिसके बारे में फर्दर डिटेल्स यहाँ पर पता चलेंगे। यहाँ पर तमन्ना मैम है, रवि सर है और यहाँ पर आगे की डिटेल्स तमन्ना मैम विल बी टेलिंग। हमने अभ्यास में ये जो 15 मॉक पेपर्स डिजाइन किए हैं, इनका जो ऑर्डर है और इनका नेचर जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो ये कि बच्चा कभी भी नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसके एक चीज दिमाग में जरूर रहती है कि हम सिलेबस को कवर करें तो हमारे पास टेस्ट हो जो हमें ये बता पाए कि हमारी जो सिलेबस में कवरेज है वो किस एफिशिएंसी की है, हमारी एक्यूरेसी क्या है क्वेश्चंस बनाने में। और दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि वो रिवाइज भी कर पाए। तो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 15 मॉक टेस्ट है, सो आफ्टर एवरी टू टेस्ट देयर इज गोइंग टू बी थर्ड टेस्ट जो बेसिकली पहले दो टेस्ट का क्यूमुलेटिव वर्जन होगा। तो जिसकी हेल्प से बेसिकली हम टारगेट ये करना चाहते हैं कि आप टेस्ट दीजिए, वो टेस्ट देने से आपका जो कवरेज एस्पेक्ट है वो टेस्ट कर लिया जाएगा, फिर हर तीसरे टेस्ट से आपका रिवीजन, आप यू विल बी इंड्यूस्ड टू रिवाइज मोर एंड देन अगेन यू विल बी गिविंग टेस्ट एंड अल्टीमेटली द लास्ट टू टेस्ट आर गोइंग टू बी द फुल मॉक पेपर्स। मतलब हमारा आइडिया ये है कि हम दो तीन चीजों को एक साथ छुएं। नंबर वन कि बच्चा जब कवर कर रहा है तब भी टेस्ट दे पाए, बच्चा जब रिवाइज कर रहा है तब भी टेस्ट दे पाए, और एक बार जब बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है तब तो टेस्ट दे नहीं दे रहे। So this is the basic idea of how we have arranged these 15 mock tests in Abhyas, of course. Okay, so ये 15 mock test की बात हो गई। अब एक जो अभ्यास का complete package है उसके साथ क्या मिलने वाला है उसके बारे में रवि सर further details बताते हैं एक बार। हाँ, तो जैसे कि मैम ने कहा, सर ने आपको बताया कि हमारे पास 15 mocks आप तक घर आपके घर तक पहुंच रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये रहे पेपर्स, प्रॉपर जो एग्जाम में आपको मिलता है एकदम एग्जैक्ट फील के साथ है। तो जैसे हम बात करते हैं ना कि घर पे मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो चीज आप फील करने वाले हो एग्जाम को वो सेम एनवायरमेंट आप एग्जाम से पहले जितनी बार फील करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम जब अभ्यास का हमारा जब इनिशिएटिव था तो हमारा इनिशिएटिव यही था कि आपको प्रॉपर एग्जाम फील प्रोवाइड करना, कि आप घर पे बैठ के उस प्रेशर को फील कर पाओ। और इसीलिए क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, टिक करते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, लेकिन जो बबल करने वाली कभी कभार जो गलतियां रेयरेस्ट केसेस में हो जाती हैं वो भी ना हो, इसलिए हम आपको इसके साथ 15 प्रॉपर ओएमआर शीट्स दे रहे होंगे जिसपे आप बबल कर रहे होंगे और उसके बाद अपना आंसर मैच कर रहे होंगे। ठीक है, अब सर ठीक है, हमने फुल फील के साथ एग्जाम दे दिया, टिक मार लिया, ओएमआर भर लिया, सब चीज कर लिया, उसके बाद आपने आंसर की तिथि हमने मिला लिया, सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये बुकलेट में क्यूआर कोड होगा जिसको आप स्कैन करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ द एंटायर सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, लेकिन सर मॉक देने का मेन पर्पस एक और होता है कि हमें पता चले हमें क्या नहीं आता है, तो जो डाउट्स हैं आपको उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ तो हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हमारी सिली मिस्टेक थी, लेकिन जो कंसेप्चुअल नहीं आया तो उसके लिए देयर विल बी 24 आवर डाउट सपोर्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए होगा, वो भी आप क्यूआर कोड से उस रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको ये चीज मिल रही होगी। और मैं मतलब हम तीनों ये चीज कहना चाहते हैं कि ये इतना कंप्लीट पैकेज कहीं नहीं है अभ्यास के अलावा, मतलब ये कहीं नहीं है। ये हमारा इनिशिएटिव था कि सिर्फ आप मॉक नहीं दो, आपकी हर एक क्वेरीज भी, जो भी आपको डाउट आ रहा है वो सब भी कवर हो रहा हो। हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तो हमें आती थी आलस मोटी मोटी किताब उठाने में, ठीक है, और दूसरा वो किताब के साथ जुड़ी हुई जो शीट वाली जो पेपर पे ओएमआर होती थी ना उस पे करने में कभी मजा नहीं आया आज तक। तो हमने बोला यार जब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं ऐसा कि तुम्हें हेल्प आउट हो जाए।
फिर जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे कि यार कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो हमने बोला यार इतनी टेक्नोलॉजी, इसमें सारे QR कोड्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं जिसका तुम इस्तेमाल करके, मतलब अगर कोई ऑनेस्टली इसको ढंग से यूज कर लेता है ना तो उसके नंबर आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ऑनेस्टली एक और बात बता दूं कि अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो आसान पेपर है तो नहीं है, ठीक है, पेपर सब मीडियम और उसके ऊपर के लेवल कर रहे हैं। अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर शायद नीट वाला गेम तुम्हारे लिए नहीं है। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस, डार्विन बाबा कुछ कह गए तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। सो बाकी बट दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू क्रैक द एग्जाम, ठीक है, अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, और हम तो है ही तुमको गाइड करने के लिए इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर फिजिक्स के लिए हमेशा तमन्ना मैम रहेंगी, रवि सर हैं और मैं हूँ, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बाकी यू कैन गेट दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करो एंड गेट योर कॉपी राइट नाउ, ठीक है। लिमिटेड नंबर आते हैं हर बार की तरह, पिछली बार एक बार आया, फिर 10 दिन का स्टॉक गया, फिर आया, फिर स्टॉक गया, भी हर बार होता है अभ्यास के साथ, ठीक है। सच इज द प्रोडक्ट एंड बाकी लास्ट में किसी कुछ एड ऑन करना है? और एक्चुअली में ये जो टेस्ट है ये इतने ब्यूटीफुली क्यूरेटेड है, इतने सूझबूझ से हम लोगों ने बनाए कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टारगेट कर रहे हैं, आपके कवरेज को टारगेट कर रहे हैं, रिवीजन को टारगेट कर रहे हैं, फुल रिवीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। सो लाइक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइक ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, आपके पास है। सो डू बाय दीज अभ्यास मॉक पेपर्स टू हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स जिनके पास ये नहीं है। बस एक चीज की आप इसमें एक्सट्रीम लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप देख रहे हो एनटीए कभी कुछ कर रहा है, कभी फिजिक्स, कभी बायो, कभी केमिस्ट्री, वो कुछ भी कर रहा है, तो वी आर लाइक हम आपको एक्सट्रीम लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप वहां तक प्रिपेयर्ड हो तो आप सब चीज कर लोगे एग्जाम में कुछ भी आए। अच्छा एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ लोगों की कंप्लेन थी पुराने अभ्यास को लेकर के, सर बायोलॉजी के पहले 5 पेपर में बॉटनी जूलॉजी में मिक्सअप था। तो देखो यार सबसे पहली चीज इंप्रूवमेंट का होता है हमली एक्सेप्टिंग कि हाँ था, ठीक है, मेरी थोड़ा सा, हमने जब पेपर्स बनाए थे ना तो मैं क्वेश्चन को लेके बहुत पिकी हो गया था, तो मैंने बोला नहीं ये तो रहना ही है, तो पहले 5 पेपर्स में ऐसा था, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को हमने देखा, इसको कंप्लीटली सॉर्ट आउट किया है, बॉटनी कंप्लीटली बॉटनी इंक्लूड कर रहा है, जूलॉजी कंप्लीटली जूलॉजी इंक्लूड कर रहा है, और क्योंकि चैप्टर का है ना डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले, मतलब गेट सेट टू चैलेंज है ना, थोड़ा परेशान भी हो गए बीच बीच में, पसीने में आया, कंप्लीट पैकेज है ना, नीट प्रेशर पैकेज भी इसका तुम एक साइड नेम दे सकते हो, ठीक है। सो गेट योर कॉपी राइट, बेसिकली दिस इज अ लिटमस टेस्ट टू एक्चुअली हाउ अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, ताकि वो इंप्रूवमेंट कर सके इफ रिक्वायर्ड, राइट राइट। सो ओके, सो अपनी कॉपी ले लो यार बिल्कुल से, और फिर बाकी मिलते हैं हम लोग, है ना।